हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल कुक विद रचना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीठी इडली बनाएंगे सूजी की, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। बहुत ही स्पंजी है और बहुत ही सॉफ्ट है। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। चलिए उसके लिए हम सामग्री ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी, 2 इलायची के पाउडर और कुछ चेरी के टुकड़े ले लिए हैं, इसे टूटी फूटी भी कहते हैं। और जितनी सूजी ली है उसका 1/2 कप चीनी ले लिया है और 1 ग्लास मिल्क ले लिया है। मिल्क गर्म नहीं होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बॉल लेंगे और उसमें सूजी डालकर थोड़े थोड़े दूध डालकर उसे अच्छे से उसका एक बैटर बना लेंगे। सारे दूध एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े डालकर चीले के जैसा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बन गया हमारा बैटर। अब इसमें बाकी बची सामग्री भी डाल देंगे। 1/2 कप चीनी लिया था वो डाल देंगे, चेरी कटे हुए लिए थे वो भी डाल देंगे, और इलायची के पाउडर बना लिया था उसे भी डाल देंगे और सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल चीले के जैसा बैटर बना लेना है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इडली स्टैंड लेंगे और उसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से सब में ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर, सूजी का बैटर जो हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे और थोड़ा खाली भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो फूल कर बाहर आ जाएगी इसलिए थोड़ा खाली छोड़ देंगे। सारे बैटर को हमने इसमें डाल दिया। अब इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। ये सेट हो गई। अब हम स्टीम करने वाला बर्तन लेंगे और उसमें 2 कप पानी डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब इसे गर्म कर लेंगे। पानी गर्म हो गई है। अब उसमें स्टैंड को अच्छे से रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। अब 15 मिनट हो गए, हमारे मीठे इडली तैयार हो गई। इसे नाइफ़ की सहायता से चेक कर लेंगे, नाइफ़ में नहीं लग रही है तो वो रेडी हो गई। इसे निकाल लिया और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे स्पून के पीछे की सहायता से बर्तन से इसे अलग कर लेंगे और एक अलग बर्तन में निकाल के सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी ये रेसिपी की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।